गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मिलियर इंडिसेस। तो इसे स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनेशन से। इसकी डिफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन डिफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड नियरेस्ट प्लेन एल, नियरेस्ट प्लेन एच के एल, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे मिलियर इंडिसेस में। अगर आपको याद हो कि मेरे मिलियर इंडिसेस का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि मिलियर इंडिसेस जनरली डिनोटेड बाई एच के एल, तो यहाँ पर एच के एल की जरूरत पड़ेगी। तो ओरिजिन और नियरेस्ट प्लेन के बीच में जो हमारी डिस्टेंस होगी वही होगी हमारी इंटरप्लेनर डिस्टेंस। कहाँ होगी वो मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। ये हो गई हमारी थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लेते हैं ओ, ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इस पर हम पहले एक प्लेन ड्रा करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इसमें यह कह रहा है कि ओरिजिन, ये ओरिजिन और इसके नियरेस्ट प्लेन पे इसकी जो डिस्टेंस है उसको, तो हम नियरेस्ट प्लेन पे जो डिस्टेंस है उसी को मिलियर, उसी को इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहेंगे। ये हमारा ओरिजिन है तो इससे इस प्लेन पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा यहाँ से कुछ इस तरह से। तो ये हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी एच के एल। तो अब हम इस पॉइंट को सभी इस यूनिट प्लेन के सभी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे। और इसका नाम देते हैं एन, इसके परपेंडिकुलर जो ड्रा किया है। आप इसको इस तरह से देखिए, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। ये थ्री एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा, ऐसे पूरा घुमाऊंगा तो ऐसे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब मैं इस पर प्लेन ड्रा कर रहा हूँ कुछ इस तरह का। अगर कुछ प्लेन हमारा इस तरह का हो जाए इस तरह से, तो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस बच रही है ना यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, वही हमारी इंटरप्लेनर डिस्टेंस। उसी में अगर हम एक, वही जो हमारी डिस्टेंस बच रही थी यहाँ पर, उस पर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो घुमा लेता हूँ। अब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये जो हमारा प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट से इन तीनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से हमारा ट्रायंगल बनेगा। देखिए हमारा ट्रायंगल यहाँ पर एक बन रहा है, ये और एक ये हमारा ट्रायंगल ओ एन ए, दूसरा ट्रायंगल बनेगा ओ एन बी, ये वाला, ये, और तीसरा बनेगा ओ एन सी, ये वाला। अब हम इस तीनों ट्रायंगल की मदद से हमें निकालना है एंगल। पहले हम इस ट्रायंगल को बाहर करता हूँ ओ एन ए को, तो ये कुछ इस तरह से है, ये ओ, ये एन। अब ये वाली डिस्टेंस एन ए वाली ये रही, और ये ओ ए वाली डिस्टेंस ये रही। तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, वो 90 होगी, और ये ओ है और ये हमारा ए है, और इसको हम नाम देते थे थीटा वन। इसको मैं अगर और थोड़ा सा इसको अगर ऊपर ले जाकर ऐसे बनाऊं राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, ये हमारी ये वाली एक्सिस हो गई, ये वाली, ये ओ, ये वाली एन ये एक्सिस, और एन ए वाली एक्सिस में कुछ इस तरह से ड्रा कर देता हूँ, ये वाली हो गई और ये वाली एक्सिस कुछ यहाँ पर। तो हमारा ये वाला जो है वो 90 है, ये वाला जो है वो थीटा वन, ओ एन ये वाली ए। तो ओ एन हमारा क्या है? ओ एन हमारा है डी एच के एल, हमारा हो गया डी एच के एल, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है हमारी, ये हमारी इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अब ये हमारा कितना है ओ ए,
ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमें एक टर्म लिखना होगा, इसी प्लेन जो हमारा होता है एचकेएल, और इंटर प्लेन नेशनल लैटिस, हमारी क्लास नेशनल लैटिस जो है वो एबीसी है। तो अब हम इस पर इंटरसेप्ट निकालेंगे, या ये ओ ए जो अब इसकी इंटरसेप्ट हम निकालेंगे ओ ए की, तो एक इंटरसेप्ट हो जाएगी हमारी, इंटरसेप्ट ट्रायंगल की बात हो रही है, एन ओ ए की बात हो रही है। अब इसमें इंटरसेप्ट हमारी होगी एक्स एक्सिस पर, हमारी ट्रांसलेशनल एक्सिस है ए बी सी और मिलियर इंडिसेस है हमारी एच के एल, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट हो जाएगी ए बाई एच, तो इस तरह से हमारी इंटरसेप्ट हो जाएगी ए बाई एच, तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी ए बाई एच। अब इसमें हम लगाएंगे कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है, कॉस थीटा हुआ इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, लिख लीजिए आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है, हमारा आधार क्या है, ये वाला ओ एन और कर्ण ये ओ ए, ओ एन की वैल्यू है डी एच के एल और ओ ए की वैल्यू है ए बाई एच। अब ये ए बाई एच जो है वो एच पलट के ऊपर जाएगा, एच कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ये हो जाएगा एच डी एच के एल, डी एच के एल अपन ए, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इसके लिए कॉस थीटा वन, हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ये वाला, ये ओ एन बी, ओ एन बी को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे ये जो था हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर था, तो ये वाला भी हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर ही होगा, वो वाला भी हमारा परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि ये प्लेन था हमारा, ये था, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल एक इधर का ट्रायंगल हम ये ले रहे हैं, तो इसके लिए अगर ये 90 होता है तो इसके बगल वाले ट्रायंगल के लिए भी ये 90 होगा, तीन ट्रायंगल है तीनों के लिए ये 90 होगा, ये वाली एंगल हमारी 90। ओ एन हमारा क्या है, ओ एन हमारा है डी एच के एल, हमें निकालना है ओ बी, तो ओ बी क्या हो जाएगा, इसी तरह से जैसे मिलियर इंडिसेस हमारी एच के एल है और ट्रांसलेशनल लैटिस ए बी सी है, तो हमारी इंटरसेप्ट हो गई थी एक्स एक्सिस पर ए बाई एच, तो हमारी इंटरसेप्ट इन ट्रायंगल की बात की जाए, इन ट्रायंगल एन ओ बी, तो इसमें इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगी, ए बाई एच है तो ये बी बाई के हो जाएगी, हो जाएगी बी बाई के। अब हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा टू, अब निकालते हैं कॉस थीटा टू, आधार हमारा क्या है, आधार हमारा ये वाली डिस्टेंस ओ एन वाली, हमारा आधार और ये ओ बी वाला हो जाएगा कर्ण, तो ओ एन की डिस्टेंस हमारी डी एच के एल, डी एच ओ बी की बी वाई के, ये बी वाई के, तो बी वाई के यहाँ पर रखेंगे,
ये क्या है, ये पलट के ऊपर जाएगा। एच डी एच के एल अपान ए, के डी एच के एल अपान बी। तो इसी तरह से सिमिलरली जब हम इस ट्रायंगल के लिए करेंगे, ओ एन सी के लिए ये वाला हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और इसके लिए जब हम निकालेंगे इसको जो हम, चलो उसको भी बना देते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से ये है, इसी पोजीशन ये जन वाली, और ये ओ वाली हमारी 90 दिख रही है। ओ एन हमारा जो होता है ओ एन की डिस्टेंस हमारी डी एच के एल होती है। चलिए आइए, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट जेड एक्सिस पर हमारी हो जाएगी, यहाँ पर ए बाई एस था, बी बाई हम निकालते हैं कॉस थीटा, इसको थीटा थ्री मान लेते हैं। आधार हमारा यही है ओ एन, और ये हमारा ओ सी क्या है, सी बाई एल। हो गया हमारा, हमने तीनों ट्रायंगल के बारे में देख लिया। अब हमें क्या देखना है आगे, तो हमारा कॉस थीटा वन, कॉस थीटा टू और कॉस थीटा थ्री हो गया। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे कोसाइन प्रॉपर्टीज, तो उसमें क्या होगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा वन, कॉस थीटा टू, कॉस थीटा थ्री सबको लेकर इक्वल टू वन हो जाएगा। मैं इसको एक बार मिटा के फिर उसके बाद लिखता हूँ। तो अब प्रॉपर्टी को अप्लाई करने हम देखते हैं, कॉस थीटा वन, कॉस थीटा टू, कॉस थीटा थ्री की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, एच डी एच के अपन है, के डी एच के अपन बी, एल डी एच के अपन से इन, इसको इस क्वेश्चन को मैंने मान लिया, इक्वेशन नंबर तीनों को वन मान लिया मैंने। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो लिख लेते, पहले फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थ्री इज इक्वल टू वन। तो अभी इसको इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू, तो वन को उठाकर टू में रख देते हैं, यू इक्वेशन नंबर वन इंटू इक्वेशन नंबर। क्या हो जाएगा हमारा एच डी एच के एल, एच डी एच के एल अपॉन ए का होल स्क्वायर। ये कॉस थीटा वन है, तो ये कॉस थीटा वन की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ, और यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू, कॉस थीटा टू स्क्वायर कर देंगे रखने के बाद, के डी एच के एल अपॉन डी का होल स्क्वायर प्लस एल डी एच के एल अपॉन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। तो अब इसमें हमें देखना क्या मिल रहा है, डी एच के एल, डी एच के एल, डी एच के एल, तीनों में इसको कॉमन कर लेते हैं, स्क्वायर के साथ है, स्क्वायर के साथ कॉमन करेंगे, डी स्क्वायर एच के एल जो कि हमारा कॉमन। अब एच ये यहाँ पर बचा क्या, एच बाई ए का होल स्क्वायर, एच बाई ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा, के बाई बी का प्लस यहाँ पर बचा एल बाई सी का होल स्क्वायर, यह इज इक्वल टू वन। हम क्या करेंगे, इस डी एच के एल को इधर भेज देंगे, इधर इधर आ जाएगा, तो इधर इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इधर हो जाएगा एच बाई ए का स्क्वायर प्लस के बाई डी का स्क्वायर प्लस एल बाई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू
वन अपॉन डी स्क्वायर एच के एल, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हमारा जो रिलेशन आया है ये वाला, ये है ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता था हमारा, हमने सिर्फ क्रिस्टल सेवन क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ा था। ऑर्थोरोम्बिक जो होता था हमारा, ए बी सी के जो तीनों तीनों जो एजेस होती थी वो कोई भी बराबर नहीं होती थी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये हो गया हमारा ऑर्थोरोम्बिक के लिए। ये ए बी सी ये सब अलग अलग है, बराबर नहीं है ना, अगर ये बराबर होता तो इसके साथ जुड़ जाता। आगे देखिए कैसे जुड़ता है। तो अगर हम एक इसमें एक एक एक्सप्रेशन हो गया हमारा, कोई भी बराबर नहीं है, अब हम दूसरा लेंगे टेट्रागोनल के लिए, एक बराबर होगा एक नहीं होगा, तीसरा जब लेंगे तो तीनों बराबर होगा। तो हम तीन निकालना है, तो पहले दूसरा लेते हैं हमारा, ये पहला हो गया, दूसरा हमारा फर्स्ट टेट्रागोनल में हमारा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो हम बी बराबर ही है तो इसमें हम रख देंगे इस बी की जगह ए को, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एच बाई ए, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर अपन, ये बी की जगह हम ए रखेंगे ए स्क्वायर, प्लस एल बाई सी का ये स्क्वायर अलग अलग कर दो, इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर एच के एल, ये हो गया हमारा। अब हम इन दोनों को ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, इसको हम सिंपल एक निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, अब इधर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें करते हैं, फिर उसके बाद इसे इससे कट जाएगा, ये यहाँ पर एच स्क्वायर या ए स्क्वायर जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ पर हमारा बचा एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर एच के एल, ये हो गया हमारा टेट्रागोनल। हम देखते हैं क्यूबिक के लिए, क्यूबिक के लिए, क्यूबिक में क्या होगा हमारा, हमारी सारी जो होती हैं एजेस वो सब सेम होती है। और क्यूबिक के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यही पहले इस क्वेश्चन में हम रखेंगे जो हमारा ये ऑर्थोरोम्बिक वाला आया है। तो सभी बराबर हैं तो सभी को कर दो, ये ए है ही, बी बराबर है यहाँ पर भी ये कर दो, ये सी बराबर ही है तो यहाँ पर भी ये कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर एच के एल। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तीनों में एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर एच के एल, ये हो गया हमारा क्यूब के लिए रिलेशन। अब इसको हम थोड़ा आगे और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये क्यूबिक के लिए है ना कि सिंपल क्यूबिक के लिए। क्यूबिक मतलब जितना भी क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, तीनों क्यूबिक के लिए यही फार्मूला यूज होगा। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा करके और सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर कर दें, इसको भी ऊपर कर दें, ये वाला नीचे कर दें, अगर हम दोनों का इधर ऊपर कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा हमारा ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब ये ऊपर चला गया बटे में नहीं ले जाएगा ये एच के एल, हमारा ये स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा डी एच के एल इज इक्वल टू, हम ए स्क्वायर पर रूट लगाएंगे तो वो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा ए और इसमें रूट आ जाएगा, रूट में हो जाएगा ये एच स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्यूबिक क्यूबिक के लिए रिलेशन। इसी फार्मूले से हम एक क्वेश्चन को क्वेश्चन कर देखते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन क्या देख लीजिए, फाइंड द इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर द प्लेन 200 व्हिच हैव एफसीसी क्रिस्टल एंड रेडियस ऑफ एटम 1.414। तो हमारा फार्मूला क्या था वो पहले देख लेते हैं। डी एच स्केल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एच के एल हमारा वहाँ से हो जाएगा, ये 2 0 ये 0 है, तो ये हमारी ये हो जाएगी एच की वैल्यू, ये हो जाएगी के की वैल्यू, ये हो जाएगी एल की वैल्यू। अब बात करते हैं ए कहाँ से निकलेगा। तो ए के लिए एफ सी सी में एक फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू 4r अपॉन अंडर रूट 2। और ये r की वैल्यू यहाँ पे दी है, रेडियस ऑफ एटम r की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है ये, तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 1.414 अपॉन अंडर रूट 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 2 की जो जब अंडर रूट 2 को हम सॉल्व करेंगे वर्गमूल जो इसके निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाता है 4 × 1.414 अपॉन इसकी भी वैल्यू यही होती है 1.414। तो क्या होता है हमारा ये एक कट जाता है और हमारा ये बचता है 4। ये एंगस्ट्रा में बचता है क्योंकि ये वैल्यू जो दी होती है वो एंगस्ट्रा में दी है। ये वाली वैल्यू एंगस्ट्रा में दी है, ये हमारा आंसर एंगस्ट्रा में आएगा। ए की वैल्यू हमें पता चल गई 4 एंगस्ट्रॉम, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4। और अंडर रूट में हमारा एच की जगह हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये प्लेन हमारा 2 × 0। ये हो जाएगा हमारा, फिर ये भी हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा +0। इधर अलग ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, ये 4, ये हो जाएगा 8। और जब इसका 8 का आप वर्गमूल निकालेंगे ये आएगा 4 × √2। इसका वर्गमूल अगर निकालना चाहें तो ऐसे निकाल लेते हैं, 2 × 4 ये 2 का 1 हो जाता है, 2 का जोड़ा बनता है ये 2, और जो ये 2 का नहीं बनता तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, जो नहीं बच जो जिसका नहीं बनेगा वो अंडर रूट में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 √2, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा 2 √2। और इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 अपॉन √2। अब ये √2 ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास आंसर √2। या फिर इसकी वैल्यू जब इसको आप सॉल्व करोगे इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसका आएगा 1.414 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगी हमारी DHKL की वैल्यू। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा एक छोटा सा और टॉपिक है, देख लेते हैं हम एंगल बिटवीन क्रिस्टल प्लेन। अगर हमें क्रिस्टल प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम सीधे सीधे फार्मूला पे आते हैं। तो इसका फार्मूला होता है हमारा फार्मूला क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू h1 h2 k1 k2 l1 l2 √h1² k1² l1² फिर उसके बाद h2² k2² l2² हम इस पर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू h1 h2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्लेन दिया हुआ है, ये
तो ये हो गया हमारा एच वन। एच वन के वन एल वन एच टू के टू एल टू हो जाएगा हमारा। तो हम उसकी वैल्यू वहाँ से रखेंगे, एच वन जीरो, एच टू हमारा जीरो, के वन जीरो इंटू के टू, के टू हमारा वन प्लस एल वन वन एल टू वन। एच वन स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर जीरो, के वन स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन। एच टू का जीरो, के टू स्क्वायर, के टू स्क्वायर का वन का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, ये वन इंटू जीरो, ये जीरो, यहाँ पर बचेगा ऊपर वन अपॉन, और ये अंडर रूट वन बचेगा वन, और यहाँ हो जाएगा ये वन ये वन, ये हो जाएगा टू इंटू अंडर रूट टू। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो वन हो जाएगा, ये अंडर रूट टू, वन बाई अंडर रूट टू। ये हो गया कॉस थीटा। अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई अंडर रूट टू, और कॉस इनवर्स वन बाई अंडर रूट टू का हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में वहाँ से आया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।